नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। दोस्तों, रीट की क्या है ताज़ा अपडेट, रीट के अलावा आरएस व अन्य भर्तियों पर भी जानेंगे क्या है आज की प्रमुख अपडेट। दोस्तों, एक तो कोरोना बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए कोरोना का विशेष रूप से ध्यान रखें। घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर और सैनिटाइज वगैरह ध्यान रखें। सबसे पहले मैं बात करूँगा रीट भर्ती पर। रीट भर्ती पर जो कोर्ट का जो फैसला है, 12 मई को होगी याचिका पर अगली सुनवाई। रीट 2021 व प्राथमिक शिक्षा में राजस्थानी भाषा को शामिल करने को लेकर जो जनहित याचिका थी, उसमें मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव रीट समन्वयक 2021 के समन्वयक को नोटिस जारी किए गए हैं और नोटिस जारी करके अब अगली सुनवाई पर जो भी फैसला आएगा। राजस्थानी भाषा अनुसूची में शामिल नहीं है, फिर भी रीट 2021 में शामिल क्यों? हाईकोर्ट खंडपीठ ने राजस्थान सरकार से 12 मई तक मांगा है जवाब। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा कारण बन रहा है कि ये जो भाषा अनुसूची में शामिल नहीं है, जो 22 भाषाएं हैं उनमें राजस्थानी को शामिल करने के लिए लगातार संघर्ष है, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। इसलिए सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पुरुषों को उम्र में 5 और महिलाओं को 10 साल की छूट मिली है। बहुत बड़ा ईडब्ल्यूएस को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। आप देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में छूट को मंजूरी मिल गई है। चुनाव से पहले सरकार ने बहुत बड़ा ये आप इसके साथ ही एक बहुत ही शानदार नगरीय निकायों में नगर नियोजन के 116 नवीन पदों पर भर्ती हो रही है, जिसमें ये बहुत ही ये वरिष्ठ पारोपकार 67 पद, उपरोपकार 12 पद और सहायक नगर नियोजित 33 पद, बहुत ही शानदार पोस्ट है। इसी के साथ आरएस कंप्यूटर शिक्षा भर्ती के बनाए जा रहे हैं नियम, अभी तक नियम बने नहीं हैं सरकार के पास। ये जो कैडर बनाने के भर्ती के नियम है, उसकी फाइल पहुंची गई है और ये प्रेस नोट दे सकते हो ईडब्ल्यूएस के लिए जो राजस्थान सरकार ने जारी किया है कल। आरएस भर्ती 2018 का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की परीक्षाओं की अपील और ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने आरपीएससी की ओर से जारी परिणाम पर दखल देने से किया इनकार, बहुत ही अच्छा। अब दोस्तों, जल्द ही 2021 में 1000 से अधिक आरएस की पोस्टें आ रही है, इसलिए जो भी भाई तैयारी करें उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। ये याचिका जैसे ही खत्म होगी और इनकी ज्वाइनिंग होगी तो जैसे ही विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, इसी तरह फर्स्ट ग्रेड ही जल्द ही जारी होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार की आज की ये ताज़ा अपडेट है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।